और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक फूड स्ट्रीट। कराची में फूड स्ट्रीट चेंज होने का टाइम आ गया है। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। ये एक साफ सुथरी फूड स्ट्रीट बनी है कराची में, और ये फूड स्ट्रीट कहाँ है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो पहले वीडियो देखते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और आपका दोस्त दानियल आ गया है एक नई फूड स्ट्रीट पे, और ऐसी फूड स्ट्रीट है भाई जो कराची में फूड स्ट्रीट के अंदर इनोवेशन ला रही है। और अब पुरानी फूड स्ट्रीट का टाइम मुझे लग रहा है दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को अपने इर्द गिर्द रश नहीं चाहिए, लोगों को सड़कों पे गाड़ियां पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं खाने आते हैं तो भाई वहाँ गाड़ियों का इतना शोर होता है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, कोई 2 रुपये मांगता है तो कोई 3 रुपये मांगता है। लेकिन अब सबको एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप आएँ, आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, सब आके अपना टाइम जो है अच्छी तरह इंजॉय करें। और अगर इतना अच्छा एम्बियांस हो तो फिर किसको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आया हूँ एक ऐसी फूड स्ट्रीट पे जो कराची में इनोवेशन ला रही है। यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला। और जितनी कलरफुल आपको मेरी शर्ट लग रही होगी उससे ज्यादा कलरफुल ये जगह है। और ये जगह कहाँ पे है आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। तो आप जो मेरे पीछे इर्द गिर्द देख रहे हैं, और जेंट्री आप देखें, जेंट्री कितनी साफ सुथरी तरीके के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और इसी तरह से यहाँ पीछे इनके सारे फूड स्टॉल हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर आपको लगे कि भाई ये कैसी फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ पे एक स्ट्रीट भी बनी हुई है जो सीधे जा रही है और आपको बता रही है कि सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो ये है कराची के अंदर इंट्रोड्यूस हुई एक नई फूड स्ट्रीट। देखो भाई वक्त बदल रहा है, पहले घर होते थे, उसके बाद फ्लैट्स आ गए, फ्लैट्स के बाद पोर्शन आ गया, और पोर्शन के बाद अब पूरी पूरी कम्युनिटीज़ आ गई हैं। तो इसी तरह से फूड स्ट्रीट भी बदल रही है भाई, अब लोगों को वो सड़कों वाली फूड स्ट्रीट नहीं चाहिए, अब लोगों को इस तरह की इनोवेटिव फूड स्ट्रीट चाहिए। तो ये है एक इनोवेटिव फूड स्ट्रीट, और ये मौजूद है गुलिस्ताने जौहर, मुनव्वर चौरंगी से सीधे हाथ पे, और इसका नाम है खाओ गली। तो आप मेरे साथ रहें और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे जो है यहाँ पे फूड स्टॉल्स बने हुए हैं, और बिल्कुल वही खाना मिल रहा है भाई जो फूड स्ट्रीट से मिलता है। यहाँ पे बारबेक्यू भी है, यहाँ पे जो है भाई रोल शावरमा वगैरह भी है, यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी लगती हैं, जिसने मंड के खाना है, खुल के खाना है, वो यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी खा सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, तो अभी साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा कि यहाँ क्या माहौल है। इसी तरह से यहाँ पे चाइनीज़ का सेटअप भी है, और ये किस नाम से है, चाइनीज़ के नाम से ये चाइनीज़ खिला रहे हैं, और अभी सब तैयारियाँ चली, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ मतलब बॉयज़ को। और आजकल तो नॉर्मल जो है जेंजीज जो है और फैमिलीज आके बैठती हैं, उनको चाय चाहिए होती है, तो चाय पीने के लिए अगर इतना अच्छा माहौल हो तो आप चाय भी पिए और अपना टाइम भी इंजॉय करें। इसी तरह से जो है भाई मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे पराठा विथ फिलिंग मिलती है, विथ फिलिंग बोले तो मतलब पराठे में चीज़, पराठे में आलू, पराठे में कीमा, इस तरह की चीज़ें ये जो है अब भर के देते होंगे। तो इस पे ऐसा ही है, ऐसे ही है, ये अभी शाम के टाइम ही ये है पानी पूरी चाट वगैरह। और आपको पता है जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, जब यंगस्टर्स होते हैं, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है, ख़ासतौर पे चाट और गोलगप्पे वगैरह। यार तो मैं इनके किचन सेक्शन की तरफ आया हूँ, और मैं अब आया हूँ जहाँ पे बनती है वो चीज़ जो लड़कियों को बहुत पसंद है, गोलगप्पे और चना चाट। पहले तो जो पानी पूरी, जैसे कि खाओ गली की जो हमारी मतलब इसको हम स्पेशलिटी कहते हैं खाओ गली की, ठीक है? अच्छा, इस वो इसीलिए कहते हैं कि हमारी ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि गोलगप्पे से लेकर और चाट तक कोई भी मटेरियल है वो हम खुद अपना यहाँ तैयार करते हैं, और मुकम्मल हाइजीनिक तैयार तरीके से, ठीक है ना। और जो पानी है वो हम मतलब इस चैलेंज पे देते हैं कि अगर आप गोलगप्पे का पानी 1 बाउल 2 बाउल 10 बाउल भी पी लेंगे तो आपका जो गला पकड़ना होगा वो गला नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा। ये हम चैलेंज देते हैं। एक पानी पूरी तो मैं भी आपकी खाऊंगा फिर। जी बिल्कुल, मैं आपको अपने हाथ से बना के देता हूं। इनके हाथ से बनी हुई पानी पूरी खाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजे का गोलगप्पा है, और मैंने जब मसालेदार बनवाया तो मसालेदार है। तो इसी तरह से जो है भाई ये एक साफ सुथरी सी फूड स्ट्रीट है, और इसी तरह से मैं इस फूड स्ट्रीट पे घूमे जा रहा हूँ और आपको घुमाए जा रहा हूँ।
तो भाई आप भी जब ये वीडियो देखो, अगर आपने साफ सुथरी फूड स्ट्रीट को एंजॉय करने, आपने अच्छे माहौल को एंजॉय करने, आपने अच्छे लोग अपने इर्द गिर्द देखने, तो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द न्यू एरिया, दिस इज़ न्यू इनोवेटिव फूड स्ट्रीट। क्योंकि भाई बंस रोड, हुसैनाबाद, फाइव स्टार, ये पुरानी हो गई है। लोगों को नई जगह जाने, लोगों को माहौल अच्छा चाहिए, लोगों को अपने इर्द गिर्द रश नहीं चाहिए। तो भाई ये आप ज़रा देख लें, और मैं आपको ये भी दिखा दूँ यहाँ पे कैसे बच्चों के लिए खेलने का भी इंतज़ाम है। हेलो, हाय। अच्छा, जो एक अट्रैक्शन है ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए, भाई मियाँ बीवी आते हैं, अब उनको भी तो थोड़ा एंजॉय करना होता है ना, वो भी बच्चों को ले लेके फिर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए भी जगह बनाई है। ये पूरा एक पोर्शन है कि भाई कपल अपना एंजॉय करे, अपना खाना खाए, और यहाँ पे बच्चों को छोड़ दे, और यहाँ पे बच्चे अपना टाइम एंजॉय करते रहें। और ये थी आज की फूड स्ट्रीट जो मैंने आप लोगों को दिखाई। और भाई कराची में फूड स्ट्रीट का माहौल चेंज हो गया है, अब लोगों को ऐसा ही माहौल चाहिए जो दिखने में भी अच्छा हो और जिनका खाना भी अच्छा हो। तो भाई ये है खाओ गली, जो मौजूद है गुलिस्ताने जौहर के अंदर, मुनव्वर चौरंगी से सीधे हाथ पे। तो यहाँ पे ज़रूर आना और फैमिली के साथ आना और अपना टाइम एंजॉय करना। और एक टिप दे रहा हूँ, शाम के टाइम ज़रूर आना, तो यहाँ शाम के टाइम का माहौल होता है ना, वो क्लासी होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।